हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आशा करते कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो भी हर हर की तरह काफ़ी पावरफुल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, म्यूचुअल फंड के जो मैंने पिछले वीडियो बनाया उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और बहुत अच्छे लाइक भी किया और बहुत अच्छे कमेंट्स भी किया, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं और डिटेल्स बताता हूँ। ये सीरीज 2 से 3 वीडियो में क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया, कुछ लोग नहीं किए, तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ओके। तो पिछले वीडियो में हम जाने थे कि म्यूचुअल फंड क्या है, अगर जो अब नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, और कितने कैटेगरी के होते हैं और इसका बेनिफिट क्या है और कितने साल कितने मतलब एक अर्निंग का स्रोत मतलब है, तो इसमें कितना अपना सेफ्टी के साथ कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिखाया था, ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके डिटेल्स मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड को कैसे कैसे हम मतलब कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा मतलब कि कौन सा पेयर कौन सा स्टॉक सही रहेगा मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डेप्थ में बात करूंगा, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के मतलब कि होता क्या है इसमें। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो किन्हीं लोग का क्वेश्चन होगा कि आखिर हमारा जो पैसा वो जाता कहाँ है ना। आप लोगों को भी मन में डाउट होगा कि पैसे जाते कहाँ। तो देखो, आपने जैसे किसी भी कंपनी या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने कहीं भी स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर जो होता है, वो फंड मैनेजर आपका जो मनी रहता है ना उसको डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है। डाइवर्सिफाई मीन्स बोले तो अलग अलग जगह में वो बांट देता है, अलग अलग जगह में अपना डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है। लाइक 5 डाल दिया डेथ फंड में, 5 डाल दिया इक्विटी फंड में, 5 डाल दिया मतलब अलग अलग करके ना, इस तरीके से वो अलग अलग में मतलब कि जो होता है वो डाल देता है, ठीक है। अब टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में कौन कौन सा है, अब आप लोगों को मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि टॉप 10 या फिर टॉप कौन सा कंपनी है म्यूचुअल फंड में सर की, जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। टॉप देखिए, टॉप वैसे बहुत सारी कंपनी, आप किसी में भी आप उसको एनालिसिस करके उसको देख के अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली SBI म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक एंड निपोन, एक्सिस, UTI एंड पराग पारेख, आपने नाम सुना होगा पराग पारेख का, एंड DSP म्यूचुअल फंड, एंड टेम्पलेटोन म्यूचुअल फंड, एंड मेराई एसेक्ट म्यूचुअल फंड, बहुत सारा ये सब है। तो ये सब टॉप में आता है, ठीक है। अब देखो, म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो आपने स्टार्ट किया तो वो क्या होता है कि चलो आपने जो इन्वेस्ट किया तो वो अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टर के पास जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और वो इन्वेस्टर के पास पूल मनी, ठीक है, पूल मनी के पास, उसके बाद फिर फंड मैनेजर जो यानी मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट इन मतलब कि किसमें इन्वेस्ट होता है, मतलब सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी में, या फिर डेट फंड में, या फिर अलग अलग सेगमेंट में वो जहाँ पे करता है, ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स मिलता है, उसके बाद पास टू आपको पास हो आता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक प्रोसेस होता है जो कि वो मतलब बाय प्रोफेशनली उस तरीके से उसमें लोग उसमें फील्ड में लोग करते हैं और वो अपना प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो, मतलब कि जो एसेट होता है ना वो मैनेज करता है, मतलब कि एक जिसे प्रोफेशनल होता है, जैसे मतलब बड़े बड़े जो जिनका कि म्यूचुअल फंड में ही बहुत पहले से काम है, तो वो उनको अनुभव होता है, उनको सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारे मैनेज करते हैं। वो अपना कोई भी मतलब कि जो भी इक्विटी रहता है या फिर सिक्योरिटीज में जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अच्छा थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, तो अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल के भी देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता होगा कि सर भारत में पहला म्यूचुअल फंड या फिर मतलब क्या था या फिर कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। भारत में पहला म्यूचुअल फंड ऐसे UTI स्टार्ट किया था, ठीक है। UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे पहले भारत में यही स्टार्ट किया था, ठीक है। टर्मिनोलॉजी यूज ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अब देखो अब टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो मैंने पिछले बार आपको पिछले वीडियो में बताया था कि NFO क्या है और यूनिट क्या है, NAV क्या है, ये सब के बारे में आपको बताया था। तो उसके बारे में आपको NFO के बारे में मालूम नहीं होगा, तो NFO जस्ट लाइक इसका वैसे फुल फॉर्म बता देता हूँ, न्यू फंड ऑफर, ओके। NFO का मतलब न्यू फंड ऑफर, ओके। इट इज अ फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ यूनिट टू पब्लिक, जस्ट लाइक अब आपको याद होगा कि IPO, जब मैंने इनिशियल जिसे वो जो IPO था अपना, कोई भी इक्विटी या फिर कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना
कोई भी शेयर लॉन्च करता है तो आईपीओ एक लॉन्च करता है, ठीक है, आईपीओ लॉन्च करता है। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है एनएफओ, ठीक है। आईपीओ का मतलब आपको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम अगर जो एनएससी या बीएससी में जब लॉन्च होता है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ये आपने सुना होगा कि ये एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, एलआईसी का, तो ये एलआईसी का जो कंपनी है उसका शेयर अपने एनएससी और बीएससी में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब उसको एड कर दिया गया है। तो उसको एक बार में, यानी कि आईपीओ के तहत उसको बाय किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट, अगले मतलब जब ये सीरीज लाऊंगा तो, ठीक है। अभी यहाँ तक हम समझ जाएंगे कि एनएफओ क्या है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आता एनएफओ, एनएफओ न्यू फंड ऑफर, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर जो एक बार नया स्टार्ट करता है कि म्यूचुअल फंड में हम एक नया मतलब स्टार्ट करने वाले, फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो कंपनी आएगी तो अपना एनएफओ लॉन्च करेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आता है एएमसी। अब व्हाट इज एएमसी? तो एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो जितने भी सारा कलेक्ट करता है, जितने भी सारा अमाउंट आपको जितने भी म्यूचुअल फंड में आता है तो वो एएमसी के द्वारा सारा कलेक्ट होता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एसेट को मैनेज करता है उसके द्वारा आता है, ठीक है। एनएवी आपको बता ही दिया हूँ कि एनएवी क्या है, तो नेट एसेट वैल्यू, यानी कि कोई भी कंपनी का जैसे करंट मार्केट प्राइस ऑफ यूनिट, मतलब जस्ट लाइक दिस की नेट एसेट वैल्यू, मतलब जितने भी अपने अभी करंट वैल्यू चल रहा है, ठीक है, उसके अनुसार एक यूनिट में आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे एनएवी 100 रुपया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनएवी 100 रुपया है और एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें अगर जो 1000 रुपया को करते हैं तो उसको कितना होगा, 10 यूनिट, क्योंकि अगर जो 1000 रुपया, अगर जो एक एक एनएवी अगर जो 100 रुपया में है, ठीक है, और आपको 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, इक्वल टू 10, यानी कि आपका जो यूनिट होगा वो 10 यूनिट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिडीम। रिडीम क्या है? इसके अंदर सारी कुछ हम, सारा चीज़ हम जानेंगे, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए तो कि वो ज़्यादा अच्छा। ओके, अब आपको याद होगा कि रिडीम कहीं ना कहीं पैसा विड्रॉल के लिए आप सुने होंगे कि यहाँ से रिडीम कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं, आपने आप सुना होंगे, मतलब कि इसको सरेंडर ऑफ यूनिट जस्ट लाइक विड्रॉल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपने बोला कि अब मुझे म्यूचुअल फंड बंद करना है, ठीक है, अब मतलब यूनिट अपना क्लोज करना है, अब जितना पैसा है वो मेरे को रिटर्न चाहिए, तो वो आप रिडीम करोगे, ठीक है, विड्रॉल मारोगे तो आपका वो सारा अमाउंट, आपके पैसे मतलब जो अकाउंट में है वो आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी के अंदर एक और चीज़ आता है कि स्विच। स्विच क्या है? स्विच का मतलब आप लोगों ने टॉर्च में सुने होंगे कि स्विच, भाई वो स्विच नहीं है। ये स्विच होता है कि स्विच फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड ऑफ सेम म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब कि आप अगर जो एक कंपनी में म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो आप अगर जो दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहें देन यू कैन ईजिली स्विच, ओके। अब नेक्स्ट आता है फोलियो नंबर। व्हाट इज फोलियो नंबर? आपने नाम सुना होगा, अगर जो म्यूचुअल फंड कर रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और देखे भी होंगे, ठीक है। तो इट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट जहाँ की नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टर में होल्ड मल्टीप्लाई स्किल अंडर सिंगल फोलियो, मतलब कि ये क्या है, एक इन्वेस्टर का जो फोलियो नंबर मिलता है, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो वो आपको कुछ डिजिट का नंबर प्रोवाइड करता है, लाइक 2, 4, 7, 8, 9 इस तरीके से, तो इसमें भी एक फोलियो नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन किया तो वो आपको एक इन्वेस्टर अकाउंट आपको एक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि आपके जो होगा वो सारा उसमें वो शो कर देगा कि आपका ये अकाउंट है और उसी के जरिए आपको सारा कुछ वो शो कर देगा, ठीक है। अब इसमें आपको आते हैं कि एसआईपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआईपी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि एसआईपी करो और बहुत सारा कंपाउंडिंग करो पैसा है, मतलब इस तरीके का आपने सुना होगा। तो एसआईपी का वैसे फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखो इसमें क्या है कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है, मतलब कि आपने जैसे 1000 रुपया से एसआईपी स्टार्ट किया, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही आया, तो 1000 रुपया का आपने एक महीने में उसको चलो 10% या एक साल में यूँ कह लो कि 10% ग्रोथ आया, ठीक है, तो 1000 में जिसका 10% रिटर्न आया तो उस 10% का नेक्स्ट मंथ अगर जो 10% आएगा तो वो 1000 का 10% और 10% का उसका भी 10%, मतलब कि इस तरीके से वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसका सिस्टम इस तरीके से बना हुआ, जस्ट लाइक कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम नहीं है तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, वैसे हम फिर भी आपको बता देते हैं, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के नाम से ऐसे भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका डेफिनेशन का बात करें तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अ लोन और डिपॉजिट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोथ
द इनिशियल प्रिंसिपल, मतलब कि जो आपने लोन या फिर किसी भी अमाउंट को आपने कहीं से आपने लोन लिया या फिर कहीं इन्वेस्ट किया, तो वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर उसके भी ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब एक तरीके से आपने समझो कि 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो 1000 रुपया का इंटरेस्ट आपको 100 रुपया मिला, तो ये 100 रुपये का भी अगले महीना इंटरेस्ट मिलेगा और उस 1000 रुपये का। इसी तरीके से वो कंपाउंड होते होते वो बहुत सारा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने अभी SIP तक समझा। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है, STP। STP क्या है? व्हाट इज STP? तो STP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि इस तरीके से इसमें आप एक तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना जो प्लानिंग है, अपना जो प्लान है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा SWP। ठीक है, तो SW का भी हम जितना कोशिश करेंगे जानने का, जितना हम लोग जानते हो कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि एक सिस्टम रहता है उसके अंदर जितने मतलब कि विड्रॉल का प्रोसेस होता है वो आपको, अगर जो बोलेंगे कि मैंने अपना म्यूचुअल फंड SWP किया तो क्या क्या आपने विड्रॉल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है AUM। तो AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो एसेट के अंडर जो मैनेजमेंट करता है उसको AUM बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड जब हम करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा कि एक, जैसे आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो वहाँ पे आएगा एक ओपन, जैसे म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में ओपन एंडेड, एक राइट साइड में क्लोज एंडेड। तो आपको क्या करना है कि ओपन एंडेड करना है या फिर क्लोज एंडेड करना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ओपन एंडेड में कभी भी एनी टाइम एंट्री एंड एनी टाइम मतलब कि एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड अच्छा होता है, ओपन एंडेड ही करना चाहिए। क्लोज एंडेड ये क्या है कि मतलब कि इसको इसमें आपने जैसे कि क्लोज एंडेड में किया तो इसमें एक फिक्स टाइम होता है, लॉक पीरियड होता है, यानी कि जैसे आपने किया तो वो एक साल के अंदर अपना अमाउंट नहीं निकाल सकते या फिर 5 साल के अंदर अपना नहीं निकाल सकते। तो क्लियर है, वैसे ओपन एंडेड नहीं करना चाहिए कभी भी। अब नेक्स्ट आता है कि म्यूचुअल फंड प्लान में कौन सा प्लान आता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था इसका। ठीक है, तो इसमें दो प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। ठीक है, देखो रेगुलर प्लान में बहुत सारे हिडन कमीशन रहता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड करवाएगा वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने बोला था कि डायरेक्ट प्लान करना आपको, ये 100% सही है। ठीक है, आपको रेगुलर प्लान नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने होते हैं, ग्रोथ प्लान मतलब कि डिविडेंड प्लान, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, ग्रोथ प्लान क्या है, डिविडेंड प्लान क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। जैसे इक्विटी फंड में आ गया, तो इक्विटी फंड में जैसे कि आपने सुना होगा कि लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। ठीक है, इसमें एक दो और भी होता है, वैसे फ्लेक्सी कैप एंड इंडेक्स फंड। ठीक है, इंडेक्स फंड के अंदर अपना निफ्टी वगैरह ये सब आ गया, वैसे ही मैं बताऊँगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो डिटेल्स है वो आपको मतलब क्या क्या चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ नहीं जानना चाहिए वो मैं सारा कुछ आपको बताया। और अब इसमें SIP में जैसे मेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, यानी कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जो होता है, मतलब कि टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है SIP, एक ही इसमें लुम्सुम। ठीक है, मतलब एक मुख से इसको हिंदी का नाम होता है, ठीक है, लुम्सुम ये होता है, और दूसरा होता है अपना SIP। ठीक है, SIP का मैंने बता दिया। अब लुम्सुम का मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर जो एक बार में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो उसको हर महीने या यूँ कर लो कि हर साल उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हर समय आते रहेगा। एक होता है कि मंथली आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक होता कि आपने 1 साल में किया, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा फंड को कैसे डिफाइन किया जाए और कौन सा अपना अच्छा है जिसमें कि हम इन्वेस्ट करेंगे, वो हम अच्छे से अपने एक टूल से उसके ज़रिए हम चेक करेंगे कैसा प्लान है, उसका रेटिंग क्या है, ठीक है, एक्सक्लूजन क्या है, उसका नेटवर्थ क्या है, रिटर्न्स क्या है, और किस कैटेगरी में आ रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप, रिस्क कितना है। ठीक है, वो टॉप मतलब जो भी अच्छा कंपनी होगा मैं सारा कुछ लाइव करके अब मैं आपके साथ खरीदूंगा भी और मैं करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में भाई नॉलेज मिला हो, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन होइएगा आप लोग। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ये बताया।